कटनी जिले में पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशानुसार मार्गदर्शन में कुटला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि रात्रि गश्त के दौरान चेकिंग एमपी 21 फैमिली रेस्टोरेंट ढाबा लमतरा में पुलिस को दो लड़के सोते मिले थे। वहीं जब दोनों संदिग्ध व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछा गया तो उनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम संदीप चौधरी तो वही दूसरे ने राकेश चौधरी जिला पन्ना का होना बताया। दोनों संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दोनों ही युवक के कब्जे से दो शील बंद पैकेट में 5 किलो से अधिक संख्या में गांजा पाया गया। आरोपियों से बरामद गांजा की कीमत करीब 75,000 रुपए बताई जा रही है। इसके तहत ही आरोपियों से एक बाइक भी बरामद की गई। ये थाना कुठला ने रात में गश्त में हमारे एएसआई श्याम नारायण सिंह साहब को गश्त में जब ढाबा हुआ चेक कर रहे थे तो उस समय एक ढाबा है MR 21 फैमिली ढाबा एंड रेस्टोरेंट, वहाँ पर दो युवक मिले। तो उन युवकों को जब संदिग्ध हालत में चेक किया तो उनके पिट्ठू बैग जो थे उनमें दोनों युवकों के पिट्ठू बैग में से गांजे के पैकेट मिले और दोनों युवकों को जो है गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। उनसे करीब 5 किलो से भी अधिक मात्रा का गांजा जो है हमने जब्त किया और एक मोटरसाइकिल जिससे वो गांजे की सप्लाई कर रहे थे। मोटरसाइकिल है MP 35 MK 6377, तो इसको हमने जब्त किया है, गांजा जब्त किया है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है और आज उनको माननीय न्यायालय के समक्ष से 5 किलो गांजा पकड़ा था और दो उसमें हथियार भी जब्त करे थे। और बहुत समय से कुटला पुलिस जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई